हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे मैंगो जैम। और ये मार्केट जैसा मैंगो जैम हम बना के तैयार करेंगे। देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट, बिल्कुल बाजार जैसा ये मैंगो जैम बन के और तैयार हुआ है। बनाने में सिर्फ आपको 10 मिनट लगेंगे फ्रेंड्स, बहुत जल्दी बन के तैयार होता है। और इसका टेस्ट इतना बेहतरीन होता है कि बच्चे बड़े चाव से इसे खाते हैं मांग मांग के। और ये देखिए, मैंने ब्रेड पे एकदम अच्छे से अप्लाई कर दिया। आप चाहे तो दोनों ब्रेड पे लगा के इसे इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो यहाँ पे मैंने 3 आम लिए हैं, देख सकते हैं बिल्कुल इसी साइज़ के मैंने आम लिए हैं, जिसका छिलका उतार के आपको इसका पल्प ले लेना है। ये आम ग्राम में देखेंगे तो 350 ग्राम है फ्रेंड्स। और इसके मैंने पल्प जो है अलग कर लिए हैं, देख सकते हैं मैंने निकाल लिए, बारीक कट भी कर लिया है। तो इसे हम जार में डाल के और अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, बिल्कुल स्मूथ सा आपको इसका पेस्ट बना के और रेडी करना है फ्रेंड्स। देख सकते हैं मैंने इसे जार में डाल दिया है। अब इसका एक पेस्ट बना के हम तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट बना लिया और डायरेक्ट मैंने यहाँ पैन में डाला है, देख सकते हैं। पैन में आपको कुछ भी नहीं लगाना है। और यहाँ पे नॉन स्टिक पैन का मैंने यूज़ किया है और इसमें डाल दिया है अपने पल्प को। बिल्कुल भी इसमें मतलब गुठलिया नहीं है, बिल्कुल स्मूथ सा मैंने पेस्ट बना के और रेडी किया है। और इससे आपको तब तक पकाना है जब तक ये थोड़ा सा थिक ना हो जाए। आपको गैस की फ्लेम लो टू मीडियम ही रखनी है फ्रेंड्स। और ये देख सकते हैं कितना स्मूथ हमारा ये पेस्ट बन के तैयार हुआ है, बिल्कुल भी गुठलिया नहीं है। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे नींबू का रस और नमक। नमक मैंने यहाँ पे 2 पिंच लिया है फ्रेंड्स, देख सकते हैं। और मैंने यहाँ पे आधा नींबू का रस लिया है, देख सकते हैं। इसे डालने से जो एकदम जैम वाला टेस्ट आता है, तो आप इसे स्किप ना करें, ज़रूर डालें। और इसे डाल के अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हमें और पकाना है फ्रेंड्स, जब तक कि इसका थोड़ा कलर हल्का चेंज ना हो जाए। ये देखिए, बिल्कुल आपको इसे लगातार चलाते रहना है। और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि जो इसका जो आम हमने प्योरी बना के डाली थी, उसकी कंसिस्टेंसी थोड़े से थिक हो गए हैं और कलर भी आपको अलग दिखाई दे रहा होगा और इसमें एक बबल जैसा बन रहा है। तो इस टाइम पे हम इसमें आधा कप चीनी डालेंगे। चीनी ग्राम में देखेंगे तो ये 120 ग्राम मैंने चीनी यहाँ पर ऐड किया है फ्रेंड्स। और ये चीनी डालने से जो आपका जैम है बहुत ज़्यादा दिनों तक अच्छे से टिका रहता है। और अगर आप 500 ग्राम आम ले रहे हैं तो उसमें 400 ग्राम चीनी ऐड करें फ्रेंड्स। चीनी को डाल के आपको इसे लगातार चलाते रहना है। थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये थोड़े लाइट कलर में आ गया है। इसको आपको तब तक पकाना है जब तक कि जो आपने मैंगो पेस्ट जो बनाया था उसका आधा ना हो जाए। और ये देखिए इसका कलर, और ये थोड़ा सा स्मूथ भी हो गया है, लाइट भी हो गया है और थोड़ा थिक भी हो गया है। जब ये ऐसे पैन छोड़ने लगे, ये देखिए ऐसे पैन छोड़ने लगे, तो समझ लीजिएगा कि जो आपका जैम है बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करें कि एक प्लेट में डाल ले इसके कुछ ड्रॉप्स, और उसके बाद से इस थोड़ा सा ठंडा होने के बाद अगर वो नीचे ना गिरे उल्टा करने पर, तो समझ जाइएगा कि जो आपका जैम है बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। और ये हमारा फ्रेंड्स मैंगो जैम बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है और ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है। और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, बिल्कुल जैम जैसा बन के तैयार हुआ है। ज़्यादा पकाएंगे तो ये ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। मैंने जितना बताया है, जैसे बताया है वैसे ही आपको बनाना है। तो इसे हम एक अभी कटोरी में निकाल रहे हैं, जब ठंडा हो जाएगा तो इसे हम किसी जार में भर लेंगे फ्रेंड्स, और इसे इंजॉय करेंगे आराम से ब्रेड के साथ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।